Every pair, n m of disjoint projects, there exists open set.
जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत को पांच प्रदेशों में बांटा जा सकता है, उसका मैं एक मैप बना रहा हूं आपके लिए, देखिएगा। नंबर एक, लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं, ये है उत्तर का पर्वतीय भाग, हिमालय रीजन का, यानी नंबर एक जो फिजिकल डिवीजन है वो है नॉर्थन माउंटेन। नंबर दो है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्रसार मैदान। नंबर तीन है भारत का जो राजस्थान और गुजरात में, गुजरात के क्षेत्रों में फैला हुआ विशाल थार का मरुस्थल, यानी नंबर तीन। डेजर्ट एरिया नंबर चार है दक्षिण और किसान पठारी क्षेत्र, ये बना हुआ भाग। सदर्न प्लेटू और आखिरी सबसे है जो तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह है, ये वेस्टर्न घाट का भाग है, ये ईस्टर्न घाट का भाग है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लगभग 500 के आसपास द्वीप समूह द्वीप हैं और पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती मैदान हैं। अब हम प्रत्येक का अध्ययन अलग अलग करेंगे। प्रत्येक का अध्ययन अलग अलग हम करेंगे। नंबर दो, नेक्स्ट स्लाइड हम लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा उत्तर का, यानी नॉर्दर्न का जो पर्वतीय भाग है। यानी नॉर्दर्न माउंटेन जो हिमालय का है, हम उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। एक इमेज के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिमालय पर्वत का विस्तार जो है
द्वितीय भाव, इसको ध्यान से देखिए। इसको अगर हम नदियों के आधार पर बांटे तो सॉफ्टवेयर के फेजेस कौन कौन से होते हैं? एक सॉफ्टवेयर अगर हमें डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पीछे जो हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे कि आप सबकी लाइफ साइकिल होती है या ह्यूमंस की लाइफ साइकिल होती है। ह्यूमंस सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेट में, इन्फेंट स्टेट में होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, फाइनली वो क्या हो जाते हैं, ओल्ड एज के होकर वो एक्सपायरिंग हो जाती है। इन द सेम पैटर्न जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो कैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें? सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल फेज को अगर हम समझें, वट एवर इज रिटर्न हियर, ये तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझें तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर फीजिबल है कि नहीं। पहले चेक करते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है वो फीजिबल है कि नहीं। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया मान लिया और वो बोले मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो अमाउंट काउंट कर सके कि 10 ग्राम रेत में कितने एटम्स। हम कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या कंप्यूटर साइंस के कोर को अगर समझेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम प्रॉब्लम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हमारे पास है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैसी है, हमें काम किसे कराना है, माइक्रो प्रोसेसर से, मशीन से, उसके लिए हम क्या डेवलप करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी क्या है? प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम में हम ऐसे स्टेप्स यूज करते हैं जिससे हमारी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारी अराइज ना हो, मतलब हम कभी भी जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, डिजायर्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, वो बन जाए, ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर कभी बन ही ना पाए। इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट सिंड्रोम कहा जाता है, 99% सिंड्रोम कहा जाता है। लोग कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर बस बनने वाला है, वो क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हम लोग रियलिटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच को फॉलो नहीं करते, कंपनीज फॉलो नहीं करती। तो आप एज ए स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाता है। तो पहले हम प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बनने लायक है कि नहीं, फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिर सॉफ्टवेयर एनालिसिस या इसको हम बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, और इससे एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं सारे डॉक्यूमेंट, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट यूज होता है कंपनी और क्लाइंट के बीच में एज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट थी और कंपनी को वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है, उसको हम इन पेपर लिख कर क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। जब हमारा सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। अच्छा,
कुछ भी बोलिए, बढ़िया फोटो आवे तो देखो। हाँ और क्या बताई थी तुमने, और क्या हाल चाल है? Metals are three types, gases, liquid and solid, and liquids are liquid crystals. Gases have atoms or molecules that do not bond to one another in a range of pressure, temperature and volume. These molecules have not any particular order and moves freely within a container. Liquid and liquid crystals. Similar to the gases, liquid have not any atomic or molecular order and they assume the shape of the containers. Applying low level of thermal energy can easily break the existing weak bonds. Liquid crystals have mobile molecules, but the type of long range order can exist. The dipole, the molecules have a permanent dipole moment. Applying an electric field rotates the dipole and establishes order within the collection of molecules. Crystals. Solid consists of atoms or molecules executing thermal motion about an equilibrium position fixed at a point in space. Solid can take the form of crystalline, polycrystalline or amorphous materials. Solids at a given temperature, pressure and volume have stronger bond between molecules and atoms than liquids. Solids have no interatomic molecular distance between molecules. Solids require more energy to break bonds. Solid materials. These are types of solid materials: crystalline, polycrystalline, amorphous, or known as non-crystalline, single crystalline. Crystalline materials are, these are the same as materials, type of solids. Single crystal, polycrystals, polycrystalline and amorphous are the three general type of solids. Each type is characterized by the size of order region within the material. An order region is a special volume in which atoms or molecules have a regular geometric arrangement or periodicity. Crystalline solid is the solid part of substance in which the atoms or molecules are arranged in a definite repeating pattern in three dimensions. So, crystalline solids are regular pattern. So, single crystals ideally have a high degree of order or regular geometric periodicity throughout the entire volume of the material. These are crystalline solid crystal structure. Single crystal has an atomic structure that repeats periodically across its whole volume. Even at infinite length scale, each atom is related to every other equivalent atom in the structure by translational symmetry. Single crystal structures are single polypyrite crystals and amorphous solid. These are amorphous solid. Polycrystals is a material made up of an aggregate of many small single crystals, also called crystallines or grains. Polycrystal materials have high degree of order over many atomic or molecular dimensions. These ordered region or single crystal region vary in size and orientation with respect to one another. These regions are called grains or domains and are separated from one another by grain boundaries.
The atomic order can vary from one domain to the next. The grains are usually 100 nanometer to 100 microns in diameter. Polycrystals with grains that are less than 10 nanometer. अटैक्स होती है।
जिसमें ये आइडेंटिफाई करना उसमें डिफिकल्ट हो जाता है कि किधर से अटैक हो रहा है या कहां कहां से अटैक। अगर एक आदमी अटैक कर रहा है तो उसको डिफेंड किया जा सकता है, दो को डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन जब कई तरफ से एक साथ एक समय पर अटैक होता है तो एक तरीके की ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है जिसमें कि ना तो उस पर्टिकुलर अटैक को रोका जा पाता है ना ही एक्चुअल सोर्स को आइडेंटिफाई किया जा पाता है। हायर परचेज सिस्टम में दो चीजें दिखती है, एक तो पहला है हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हम अगर देखें इसमें कुछ किराया क्रय पत्र और किस्त भुगतान पत्र, जब किसी चीज को खरीदते हैं मान लीजिए कोई चीज हमारे पास हमें जरूरत है खरीदना है और वो मिलती है 1 लाख, लेकिन हमारे पास उस समय 1 लाख रुपये मौजूद नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम उस चीज को हायर परचेज से परचेज कर लें या किस्त भुगतान, जिसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम से उस चीज को खरीदें। तो इसमें पहली चीज हम देखेंगे, पहला है हायर परचेज सिस्टम, सेकेंड पॉइंट पर देखेंगे प्रोसेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, फिर फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्या उससे लाभ है क्या हानि है, वो देखेंगे। कॉन्टेक्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट परचेज और इंपॉर्टेंट ऑफ डिफिनेशन, इसकी डिफरेंस सबसे बड़ा जो पॉइंट इसमें आता है और आपके इसमें हर एग्जाम में लगभग बीकॉम के आता रहता है कि डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आप किराया क्रय पद्धति और किस भुगतान पद्धति में कोई दो अंतर कोई चार अंतर आप बताइए, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको माना जाता है। तो फिर डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड हायर परचेज, हायर परचेज क्या है, सेल्स क्या है, लीज क्या है, फीचर हायर परचेज सिस्टम में आपको हायर परचेज सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम हेयरिंग द सेलर ऑफ गुड्स डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। कहने का मतलब है कि हायर परचेज सिस्टम में आपको माल तो मिल जाएगा, आपने जैसे ही डाउन पेमेंट 10 रुपए डाउन डाउन पेमेंट किया आपको माल दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उसका माल का हक नहीं दिया जाएगा, आप उसके ओनर नहीं बन सकते और तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक कि लास्ट किस्त का लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं कर देते इन हायर परचेज सिस्टम। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अगर किसी चीज को हम लोग खरीद रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हायर परचेज सिस्टम क्या क्या करना होगा, पहला है द डीलर कॉन्टैक्ट्स विद फाइनेंस कंपनी फॉर फाइनेंसिंग हायर परचेज। पहले तो देखेंगे कि आप डीलर्स के पास कैसे पहुंचें, फिर दूसरा है कस्टमर सेलेक्ट द गुड्स, आप गुड्स सेलेक्ट करोगे कौन सी गुड्स कौन सी चीज हमें खरीदनी है हायर परचेज सिस्टम पे, फिर डाउन पेमेंट आप उसके लिए कितना डाउन पेमेंट करें, मान लीजिए 1 लाख की वस्तु है उसके लिए आपको डीपी यानी कि डाउन पेमेंट हम लोग कितना करें 2000 4000 10000 5000 जो उसने निर्धारित कर रखा होगा वो डाउन पेमेंट के रूप में देना होगा। फिर डीलर सेंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइनेंस कंपनी और वो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए फाइनेंस कंपनी के लिए वो आपको प्रोवाइड करना होगा। डीलर्स डिलीवर्स द गुड्स टू द कस्टमर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम लोग ये भी देखेंगे कि फीचर क्या है ऑफ हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज इसके क्या क्या फीचर है। पहला है हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, इट मीन एक्स एंड वाई, एक क्रेता होगा और दूसरा विक्रेता होगा, उसके बीच में आपको एग्रीमेंट करना होगा। और फिर कह रहा है द हायर परचेज बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट्स आफ्टर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज तभी आपको ओनरशिप प्रोवाइड करेगा जब आप लास्ट किस्त यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान कर देंगे। फिर कह रहा है द हायर होल्डर हैज द राइट टू प्रोसेस द एसेट्स इन केस ऑफ डिफिकल्ट वी मेड इंस्टॉलमेंट। फिर नेक्स्ट कह रहा है एडवांटेज ऑफ हायर परचेज, क्या लाभ है हायर परचेज के अगर देखा जाए तो लाभ क्या है। पहला है सेपरेट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, फिर कह रहा है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, हायर एक्सेप्टेंस और सेल्स डेटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें हम तो फिर आप लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हायर परचेज, कह रहा है कि इसमें आपका नुकसान क्या है अगर हायर परचेज सिस्टम से अगर किसी
इस वस्तु का हम लोग क्रय करते हैं तो नुकसान क्या है? तो पहला कह रहा है कि पर्सनल डिवेट, फिर कह रहा है फाइनल पेमेंट, यानी जब आपको ओनरशिप मिलेगा तो फाइनल पेमेंट पे आपको ओनरशिप मिलेगा, फिर कह रहा है बैड क्रेडिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, आपको हायर परचेस एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, द हायर परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, द कैश प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप कोई लेसन जब आप पढ़ते हो तो एक चीज आपको और देखना है कि दोनों वेरिएबल जो हमारे होंगे इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली देरा डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों वेरिएबल एक डिपेंडेंट दूसरे इंडिपेंडेंट। मैंने अभी आपको जो समझाया था लेक्चर लिया था उसी को आप आगे बढ़ाते हुए इसको डायरेक्ट मेथड से लगाइए। मैं फार्मूला पा लेता हूं क्योंकि कल जो लोग नहीं आए थे वो भी इसमें देख लेंगे। दो मेथड तो आपको आ गया, पहला वाला मेथड जो हमने बताया था उस पे ये सवाल लगाइए, लेकिन एज्यूम मीन आपका दिया गया है तो उस आधार पे हम इसको लगाते हैं। आप लिखिए इसमें x वेरिएबल में 60 62 64 62 64, आपका दिया गया है 61 63 63, then 63 again 64 65 67 64 65 and 67. You know how calculate the deviation? Deviation of both the series x and y, आप इसको जानते हो कैसे निकालना है। पहले आप dx निकालोगे तो dx के लिए आपका दिया गया है 66 जो एज्यूम मीन है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखोगे आप x minus 66 and next one is the dx square, next step is the dx square, इसी आधार पे आपको होगा dy, dy का मतलब आपको पता है y की वैल्यू कितनी थी, एज्यूम मीन 5 minus 63, this is the step, one more dy square and last one is the dx into dy। अब डिवीजन आप निकाल लो, 66 आपका दिया गया है कि ये -6 -4 -2 0 then +2 +4 and last one is the +6, ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए 36 4 4 16 16 2 0 4 16 and 36, वैल्यू आपको सब एक एक वैल्यू आपको लिखनी है इसकी, इसका इसको थोड़ा तीखा बना लेते तो ठीक था। चलिए अभी कर लेते हैं, फिर आपका डी वाई 63 दिया गया था तो -2 0 0 0 +1 +2 and +4, इसकी वैल्यू आप निकाल लो 4 कहां पर 16 के नीचे 4 इधर सर dx स्क्वायर में तो dx स्क्वायर 16 के नीचे जो हो रहा है dx स्क्वायर dx स्क्वायर कितना है 16 के नीचे 4 सर नीचे 4 स्क्वायर 4 होगा ना वहां
ऊपर वाला ऊपर ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना आया, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, इसको जोड़ो कितना है 112, इसको देखो 0, 0, 0, 1, 4 and 16, ये कितना आया बेटा सिग्मा डी वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आएगा 4, 4, 8, 16, 24, 25, 25 यहां लिख दो dx into dy आप निकाल लो dx into dy कितना हो जाएगा 6
अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी
जनवरी 1798 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रेंचेस जेब्रियल पोंत। ये बहुत ही प्रखर बुद्धि के विद्वान थे और इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही परिवार और धार्मिक विश्वास राजनीति सभी को त्याग करके 14 वर्ष की आयु में इन्होंने गणित शास्त्र का व्याख्यान दिया था और 20 वर्ष की आयु में इन्होंने सेंट साइमन के संपर्क में आए थे। सेंट साइमन इनके गुरु का नाम है और 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक बहुत प्रखर समाज का पुनर्जागरण किया था। उसी दौरान इन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम भी दिया और बाद में इन्होंने समाज शास्त्र को एक नए रूप में इसकी उत्पत्ति दी 1838 में। और उसी दौरान इन्होंने प्रत्यक्षवाद को लेकर के बताया था। उसी समय इन्होंने एक तीन धर्मीय तीन नियम स्तर भी बताए थे जिनमें सबसे पहला है धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवाद का स्तर। उसी के दौरान ये हमारा प्रत्यक्षवाद का टॉपिक और जैनिज्म आता है जिसमें अगस्त कॉम्ट ने समाज शास्त्र के पिता होने के साथ साथ एक विचारक के रूप में भी प्रतिपादन किया है। उनका दार्शनिक प्रणाली तत्कालीन आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए उचित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सही करने की कोशिश इन्होंने की। व्यवहारिक पहलुओं में ये सभी दार्शनिक और सामाजिक लेखन में भी दिखाई पड़ता है और इन्होंने विज्ञानों का संस्करण भी बनाया जिसमें सबसे पहले गणित शास्त्र को रखा, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र को रखा, फिर भौतिकी शास्त्र को रखा, रसायन शास्त्र को रखा, जीव शास्त्र को रखा, फिर छठे स्थान पर हमारा समाज शास्त्र होता है। और उसी में इन्होंने इनको जो एक कई विद्वानों के संपर्क में आए जैसे हेनी सेवन सिमोन से प्रभावित होकर के इन्होंने प्रत्यक्षवाद के अनुशासन को स्थापित किया था ताकि फ्रांस की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके, उसमें धर्म को लेकर सामाजिक स्तर पे परिवर्तन किया जा सकते। फिर 19वीं सदी के प्रमुख प्रभावशाली विचारक ये रहे हैं जिन्होंने समाज को क्रमागत उन्नति की संकल्पना लेकर आने वाले समाज सिद्धांतवादियों के लिए एक प्रेरणादायक मंच प्रस्तुत किया है जिसमें से फिर प्रत्यक्षवाद हमारा आता है। प्रत्यक्षवाद की हम अवधारणा देते हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या इन्होंने किया था एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। प्रत्यक्षवाद का सर्वप्रथम अगस्त कॉम्ट ने ही किया था। अगस्त कॉम्ट ने अपनी दो प्रमुख रचनाओं के माध्यम से इसको सामने रख प्रस्तुत किया जिनमें सबसे पहला प्रस्तुतिकरण द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी है जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। पहली पुस्तक इनकी यही है जो 6 खंडों में विभाजित हुई थी। इसका पहला खंड 1830 में और इसका जो लास्ट खंड था वो 1842 में प्रकाशित हुआ था। इसके पूरे 12 वर्ष में ये पुस्तक इनकी कंप्लीट हुई थी। और दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है वो द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी है। द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी 3 वर्षों में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला खंड 1851 में और दूसरा खंड 1854 में लगा था। इसके 4 वर्ष के दौरान ये पब्लिश हुई थी। इसी दौरान इनको एक महिला मिली थी जिसका नाम था क्लोटाइन डी बॉक्स और उस महिला से ये बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे क्योंकि जो इनकी व्यवहारिक जीवन शैली थी वो बहुत ही दुखद घटना के साथ इनका व्यतीत हुआ था। इससे इनको महिला जात से ही नफरत हो गई थी। इन्होंने फिर उस महिला को जब अपने एक इसी पुस्तक के दौरान द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी के दौरान जब ये उनके संपर्क में आए तो वो एक मित्र के रूप में उन्होंने बहुत सहयोग किया इनका और इसीलिए उस महिला को के लिए उनकी भावना बदल गई, उनके सोच विचार बदल गए कि इस धरती पे इस पृथ्वी पर जो भी महिलाएं हैं वो एक देवी की तुल मानी जाती है। इसलिए उस महिला का नाम इन्होंने देवी अप्सरा का नाम दिया था। और फिर इनकी जो प्रभावशाली पुस्तकें ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रही और इसी के दौरान प्रत्यक्षवाद को इन्होंने सामने व्यक्त करके बताया था मानव इतिहास का अध्ययन करके तथा उसमें औद्योगिक The origin diagram was proposed by A.P.
experimentally observed electronic spectra of transition metal complexes. This is electronic spectrum of hexa-aqua nickel second ion. This is how the electronic spectra looks like. There are two types of electronic spectra. One is of DD origin, the other is of charge transfer. So this origin diagram is used to interpret the electronic spectra which have origin of DD origin. Now this diagram is a qualitative diagram. It cannot be used to calculate the Rijkaard B and C parameter. This is one of the limitations of the origin diagram. It cannot be used to calculate the Nefi-Lossity ratio. It is again one of the limitations of the origin diagram. It cannot be used to calculate the energies of the excited terms. This is again another limitation of the origin diagram. It cannot be used to theoretically calculate higher wave numbers. Again, limitation of the origin diagram. This diagram is used to interpret the electronic spectra which originate because of spin allowed transitions. Spin disallowed transitions cannot be interpreted by this origin diagram. Again, this origin diagram is used to interpret the electronic spectra of high spin complexes. It cannot interpret the electronic spectra of low spin complexes. Again, limitation. This is how to understand the origin diagram. One has to understand the splitting of the terms. This is how D term splits into the T2G and AG. F term splits into T1G, T2G and A2G in the octahedral field, the guy field inverse. Now we are going to use the origin diagrams to interpret the electronic spectra. This is used to interpret only the electronic spectra of only the octahedral and tetrahedral complexes. It cannot be used to interpret the electronic spectra of linear, trigonal planar, the square planar, the square planar, trigonal biplanar, complexes. This origin diagram can be used to assign the electronic transitions. Again, for example, triplet A2G to triplet T2G, triplet A2G to triplet T1G. This is the electronic assignment. It can be done by using the origin diagram. Sometimes in CSIR net questions are asked to assign the electronic transition. So this is helpful for you. This origin diagram is used to calculate 10 dq. This is the characteristic of our origin diagram. You can see here. There are two origin diagrams actually which are needed to interpret the electronic spectra of the transition metal complexes of all the tetrahedral and octahedral transition metal complexes. So this is the first origin diagram. You see here the
B is the ground term. It splits into these two states and here into these two states. It has two halves actually. Both the option diagrams have two halves. Two halves. This is the right half of the first half of the diagram. This is the left half of the first half of the diagram. This right half
विलियम शेक्सपियर है, सानेट है। सानेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस। द वर्ड सानेट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सानेटो। इट मींस अ लिटिल स्ट्रेन। Originally, it was a poem to be sung in music. Now, it is a written lyric. It has a fixed part. It expresses a single idea. Sonnet was brought from play to England by a poet namely Sir Thomas Beck in the age of Renaissance. Origin of sonnet. The sonnet came into being in Italy sometime during the 13th century, the age of Dante Alighieri. It reached its greatest popularity here in the 14th century with Petrarch. Dante wrote sonnets in praise of his well-met Beatrice. Petrarch addressed sonnets to a lady named Lara. The identity of Lara remains in some doubt, but she was certainly a real woman whom Petrarch loved and adored. There are two kinds of sonnet in English. Italian are Petrarchic sonnet. English are Shakespearean sonnet. Italian sonnet. The Italian sonnet falls into two main parts, an octave and a sestet. The idea takes a turn at the end of 8 lines. The rhyme scheme is A-B. B A A B B A C D E C D E or some variant such as C D C C D C. The Shakespearean sonnet. It is known as Shakespearean sonnet because this kind of sonnet was perfected by Shakespeare. In this kind of sonnet, we do not have octave and sestet. There are three stanzas of 4 lines. It ends with a rhyming couplet. The rhyme scheme is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. Theme of love. Love is the main theme of the sonnets of Petrarch. He addressed in his sonnet to his well-read Lara. In England also, poets wrote sonnet on the theme of love in the age of Renaissance. In the 17th century, Milton wrote sonnets other than love. There has been long lines of sonnet writers in English. In the age of Romantic Revival, poets like William Wordsworth, P.G. Shelley, John Keats and so on wrote beautiful sonnets. Shakespeare is a sonnet king. Shakespeare is perhaps the greatest writer of sonnets in English. He wrote 154 sonnets. The first 126 sonnets are dedicated to Mr. W.S. and the next 26 sonnets to a dark lady, and remaining two sonnets are in the conventional style. Mr. W.S. has been identified either as the Earl of Southampton or the Earl of Dundalk, and the dark lady identity with Mrs. Mary Pitton, a maid of honor to Elizabeth. Autobiographical element. Some critics have tried to discover autobiographical element in the sonnets of Shakespeare. If we read his sonnets deeply, we can have a clear picture of what he thought of himself. As an allegory, Shakespeare's sonnet may be described as an allegory. The well-read person is, in fact, his own poetry. In his sonnets, we find that there is mystery of every passing rhetorical device. They are highly musical. The best sonnets of Shakespeare expresses lofty ideas in novel and musical verse. These sonnets are remarkable for sweetness and power. In poetic beauty, they are unsurpassed. Very first time in English literature, Shakespeare defined that what is love, and in his poem Let Me Not for Marriage of Two Minds are true love, he says, let me not the marriage of two minds, and with impediments, love is not love whose alters when in attraction finds, are bent in the removal to be
एंड यू आर टीच मार दैट आज हम चर्चा करेंगे संवेग के जेम्स ने लिखा सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग क्या है, संवेग ही जीवन की कल्पना करना शायद संभव नहीं है। संवेग की शुरुआत सबसे पहले परसेप्शन प्रत्यक्ष प्रक्रिया से प्रारंभ होती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमको ये जानना है कि संवेग क्या है, कैसे होता है, क्या संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है या संवेगात्मक अनुभूति पहले होती है। इसके संदर्भ में चर्चा करते हुए जेम्स लैंजे दो वैज्ञानिक जिनसे बेयर जेम्स जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है तथा कार्ल लैंजे जो एक डेनिश शरीर क्रिया वैज्ञानिक है, इन्होंने 1980 में सामूहिक रूप से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे जेम्स योम लैंजे सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे हम जैव सिद्धांत या दैनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत की जो सामान्य व्याख्या है, सामान्य अवधारणा जो व्यक्ति की होती है कि कोई भी जो संवेग होता है या जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं तो सबसे पहले होता है कि संवेगात्मक अनुभूति पहले होती है और संवेगात्मक व्यवहार बाद में होता है। जैसे हम कहीं अगर रास्ते में जा रहे हों और हमारे सामने अचानक कोई खतरनाक जानवर आ जाता है जिसको देखने मात्र से ही अर्थात प्रत्यक्ष की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, हम उसको परसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखने में जो एक सामान्य अवधारणा मानी जाती है कि सबसे पहले हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है और जब हम डर जाते हैं तो डरने के पश्चात हम भागने का व्यवहार करते हैं, अर्थात संवेगात्मक व्यवहार घटित होता है। लेकिन जेम्स योम लैंजे ने इस अवधारणा को अस्वीकृत किया। उन्होंने माना कि कोई भी जो संवेग होता है वो जन्मजात हमारे अंदर उत्पन्न होता है। उसमें उनका ही मानना था कि कोई भी जो संवेगात्मक अनुभूति होती है सबसे पहले व्यक्ति में संवेगात्मक व्यवहार होता है और उसके बाद उसमें संवेगात्मक अनुभूति होती है। साधारण देखें कि जैसे ही आपको बैठा होता है हमें कि जो भी रिसेप्टर्स जो भी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं या जो भी उद्दीपक हमारे सामने उत्पन्न होते हैं उन उद्दीपकों का सबसे पहले हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उनको ग्रहण करते हैं और न्यूरॉन्स के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं मस्तिष्क को संप्रेषित की जाती है, मस्तिष्क को भेजी जाती है। मस्तिष्क से सूचना पूछने के पश्चात वो सारी सूचनाएं जो रूप नंबर दो होता है वो सूचनाएं हमारे अंतरावयव और शारीरिक मांसपेशियों को पहुंचती है। जैसे कल माना था कि संवेगात्मक अनुभूति और संवेगात्मक व्यवहार है तो जब सूचना पूरा रूप नंबर दो के माध्यम से अंतरावयव यौन शारीरिक मांसपेशियों को उत्तेजित करती है जिसमें हृदय सारी प्रक्रियाएं प्रारंभिक रूप से और हमारे शारीरिक मांसपेशियां हाथ पैर बाली में प्रतिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है और जब ये सारी दोनों आंतरिक और बाह्य से संवेगात्मक प्रक्रियाएं उत्तेजित हो जाती है और वो सूचना पूरा रूप नंबर चार नंबर तीन के माध्यम से मस्तिष्क को संप्रेषित होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे अंदर कोई दीपक हमारे सामने उपस्थित होता है जैसे कि तंत्रिका आवेग के माध्यम से और सबसे पहले इस संवेगात्मक व्यवहार में तंत्रिका आवेग जो है वो मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और संवेगात्मक व्यवहार के रूप में वो प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी बात को देखते हैं, बात को देखने के पश्चात हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसका प्रत्यक्षण होता है और सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है। मस्तिष्क के बाद होना हो प्रतिक्रिया के रूप में आती है कि हम हमारे शारीरिक अंग अर्थात हाथ पैर आदि में सूचना पहुंच जाती है हमको करना क्या है और दूसरा मस्तिष्क को सूचना पहुंचती है कि न्यूरॉन्स के माध्यम से कि आगे क्या होना है और व्यक्ति क्या करता है, भागने का व्यवहार करता है। तो जब वो भागने का व्यवहार करता है, जब वो भागता है तब उसके अंदर डर उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और फिर संवेगात्मक अनुभूति होती है। इसी जो चरण भी बताए गए हैं अलग अलग और इसकी आलोचना की गई
जैसे कि हम जाते हैं तो मान लीजिए हमने किसी उद्दीपक को देखा, जैसे हमारा टॉपिक है जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के भाग ए में है, संघवाद फेडरलिज्म। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे देंगे जो संघवाद है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत में आया। जैसे कि आप जानते हैं, आपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संघवाद सबसे पहले स्थिति में आया संयुक्त राज्य अमेरिका, वो दुनिया का पहला संघीय संविधान था और उसने जो है तमाम सारे संघीय विशेषताओं को अपने संविधान में धारण किया। और उसके बाद बहुत सारे देशों को हम देखते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड को हम देखते हैं, जर्मनी को हम देखते हैं, अपने देश भारत को हम देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, नाइजीरिया को देखते हैं, ये सारे जो देश हैं ये संघीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संघीय प्रणाली होती है और एकात्मक प्रणाली होती है, और इन दोनों के बीच विभाजन है इस आधार पर है कि जो संप्रभुता शक्ति का प्रयोग है वो किस प्रकार से संविधान में उसकी व्यवस्था किस तरह से की गई। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो आप संविधानों का जब अध्ययन करेंगे, जब देखिए आपके संघीय संविधान है और उसमें एक विशेषता मान लीजिए उसमें कुछ एक समान इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हालांकि आप ये मान के चलते कि ये नहीं कि हम वाटर टाइट प्रिंसिपल है कि यही सिद्धांत सारे संविधान में लागू होते हैं, क्योंकि हर एक देश का अपना इतिहास होता है, हर एक देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की अपनी राजनीति है और ऐतिहासिक जरूरतें हैं जिसमें संविधान अस्तित्व में आता है। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो सभी संविधानों में कॉमन है, जो सभी संघीय संविधान है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनमें कुछ शेड्स मिलते हैं, उनमें कुछ जो है बदलाव के साथ भी कुछ जो है सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे और फिर हम बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनमें अलग अलग हमको कुछ शेड्स भी संघीय प्रणाली में मिलते हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है संघीय प्रणाली की, ये होती है संघीय प्रणाली में सबसे जो पहली विशेषता है वो ये है कि उसमें क्या होती है दो तरह की सरकार। जब आप कहते हैं दो तरह की सरकार तो आप कह सकते हैं कि ये तो एकात्मक शासन में भी होती है, केंद्र सरकार कई बार स्थानीय सरकार बना देती है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है संघीय प्रणाली की विशेषता में जो एक सामान्य सी विशेषता है कि दो तरह की जो सरकार होती है उनमें एक होता है कि उसको कहते हैं कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक टर्म है रिलेटिवली ऑटोनॉमस टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे से सापेक्षिक रूप से एक दूसरे से स्वायत्त दो तरह की सरकार होती है, संघ की सरकार होती है और एक प्रांत की सरकार होती है। इस बात को समझिएगा कि प्रांत की सरकार संघ सरकार के नीचे नहीं होती, क्योंकि संघीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो दोनों सरकार होंगी वो अपनी ताकत सीधे संविधान से प्राप्त करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो संघ सरकार है वो ताकतवर है और उसके अंतर्गत आती है राज्य सरकार, ऐसा संवाद बिल्कुल नहीं होता है। संघवाद के अंतर्गत उसकी पहली विशेषता है वो ये होती है कि जो दोनों तरह की सरकारें होती हैं वो अपनी ताकत सीधे संविधान से प्राप्त होती है। और दूसरी विशेषता की जो डिस्कशन करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है संघीय जितने भी प्रणालियां हैं कि उनके पास एक लिखित संविधान होता है, और जो लिखित संविधान होगा तो उसी संविधान में ही जो राज्य और जो संघ सरकार की जो शक्तियां हैं उनके बारे में आप लिखेंगे, उनके बारे में जो ये शक्तियां हैं कि कौन सी शक्तियां संघ के पास हैं, कौन सी शक्तियां राज्य सरकार के पास है और कौन सी एक शक्तियां जिनके बारे में बात नहीं की गई है वो जैसे होते हैं अवशिष्ट शक्तियां वो कहां पर है। यही पर आप देखेंगे कि वो इतिहास किस तरह का उस देश का, ऐतिहासिक परिस्थिति कैसी है, संस्कृति कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शक्तियों का विभाजन संघ में किस तरह से हुआ। विभाजन मुकम्मल इस तरह से होता है कि जैसे रेलवे हुआ, मुद्रा हुआ, सब सामान्य विषय संघ के, तो ये संघ के पास होगा। और जैसे कुछ स्थानीय माध्यमिक विषय की किसी खास राज्य में कैसी स्वास्थ्य प्रणाली होगी, कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, कैसे विवाह के नियम होंगे, जैसे आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में विवाह के नियम होंगे, जो नागालैंड में हमारे जो मिजोरम के राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, दोनों में बहुत सारा फर्क देखेंगे कि काफी थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है। एक जो तीसरी विशेषता है वो आप देखेंगे कि आपने शक्तियां लिख दी, लेकिन संविधान बना लिया, शक्तियों का विवरण दे दिया, दो तरह की सरकार, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई स्थिति ऐसी भी आ सकती है जिसमें विवाद उत्पन्न हो जाए किसी विषय को लेकर कि राज्य सूची के अंतर्गत आएगा कि संघ सूची के अंतर्गत आएगा, तो उसका निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो कि क्षेत्राधिकार के कोई भी मुद्दे होते हैं उनका निपटारा स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता सभी संघीय संविधानों की होती है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है जिसको समझ सकते हैं
संघीय विधायिका होगा, संघीय विधायिका होगी उसके दो सदन, ये विशेषता संघीय संविधानों में देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि विसदनीयता ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे समझिए इस बात को, जैसे आप अगर आप भारत के एग्जाम्पल लेंगे, भारत के एग्जाम्पल में लीजिए, तो हमारे यहाँ जो संघीय विधायिका उसको बोलते हैं संसद। और संसद जैसे कि आप जानते हैं उसके दो सदन हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि जो राज्यसभा होती है वो कहीं ना कहीं एक राज्य की प्रतिनिधि के रूप में रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अधिगम के महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्थानांतरण के विषय में अध्ययन करेंगे। अधिगम स्थानांतरण जो होता है ये किसी एक विषय में अर्जित ज्ञान अथवा अनुभव, जब कोई बालक किसी दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे विषय वस्तु में उसी प्रकार से सीखता है या सीखने को जिस प्रकार से प्रभावित करता है उसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण को आप समझने के लिए अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को जानना होगा। अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, इसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण को कहते हैं, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जिसे हम ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं, और शून्य अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जो होता है ये किसी एक विषय वस्तु का ज्ञान अथवा एक क्षेत्र में प्राप्त अनुभव जब दूसरे क्षेत्र में हमारी सहायता करे, दूसरे विषय वस्तु के अध्ययन में हमारी सहायता करे, तब हम उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का मतलब यह होता है कि जब किसी एक विषय का ज्ञान ठीक उसी प्रकार से किसी दूसरे विषय वस्तु को सीखने में हमारी सहायता प्रदान करता है तो उसे हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गणित का बच्चा है, गणित में कैलकुलेशन सीखता है और फिजिक्स में अप्लाई करता है, तो यह समझिए उसका क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण होता है। यानी गणित का ज्ञान अब गणित में कैलकुलेशन करना सीखा और फिजिक्स के कैलकुलेशन में उसकी सहायता करता है, तो उसे आप क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कह सकते हैं। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो इस परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे उच्च कैटेगरी की परिस्थिति में अगर सहायता करता है तो उसे आप ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कि कोई बच्चा है पहले साइकिल चलाना सीखता है और साइकिल चलाते चलाते एक स्थिति आती है कि अब वो बाइक भी बहुत आराम से चला सकता है, तो उसे ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी उसका अधिगम साइकिल से हट गया, मोटरसाइकिल यानी बाइक की ओर हो गया, तो उसे ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, शरीर के किसी एक अंग अथवा एक हिस्से से प्राप्त ज्ञान जब किसी दूसरे अंग अथवा दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होता है तो उसे द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसका सबसे मुख्य उदाहरण यह है कि मान लीजिए कोई महिला है, वो हाथ से सिलाई मशीन से कपड़ा सिलना सीखती है, तब पश्चात जब वो सीख जाती है तो बड़ी वाली मशीन आ जाती है, वो पैरों से चलाती है, पैर से चला के अगर पैर यानी हाथ से सीखा गया ज्ञान अब वो पैर पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसे द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण ऐसा अधिगम स्थानांतरण होता है जिसमें एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे परिस्थिति में हानि पहुंचाता है, यानी लाभ करने के बजाय बल्कि दूसरे परिस्थिति में हानि पहुंचा देता है, तो उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण को अगर आपको समझना है तो बेसिक रूप में यानी कि कोई अगर टाइपराइटर इंग्लिश टाइपिंग सीख रहा है और इंग्लिश टाइपिंग सीखने के बाद वो हिंदी में टाइपिंग शुरू कर रहा है तो उसके इंग्लिश का ज्ञान जो होता है वो पूरी तरह से इंग्लिश में सीखा गया ज्ञान या इंग्लिश में सीखी गई टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग में नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण करता है, यानी कोई प्रभाव के अलावा बल्कि एक नकारात्मक पहलू को दर्शाता है, यानी और हरासमेंट हो जाता है, उसके अधिगम में जटिलता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और लास्ट है अंतिम शून्य अधिगम स्थानांतरण, यानी जब एक क्षेत्र में प्राप्त किया गया अनुभव किसी दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रभाव न डाले तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और शून्य अधिगम स्थानांतरण में कोई भी बच्चा एक परिस्थिति का ज्ञान किसी दूसरे परिस्थिति में किसी भी तरह से प्रभाव यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ऊंची पढ़ाई करते हैं, बीटेक एमटेक करते हैं और फिर बाद में आपको बैंक में जाओ
सिंपल हार्मोनिकल सिलेंडर रिजिड रोटेटर एंड हाइड्रोजन आफ्टर कंप्लीटली वन डायमेंशनल क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिस्टम ऑफ द रोटेटर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द and energy
ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस लाकर उसको अपने लिए और बेनिफिशियल बना सकते हैं। GMO जो एक प्रोसेस है क्रिएटिंग, GMO क्रिएटिंग इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच वी फर्स्ट एस्टैब्लिश अ रिक्वायर्ड जीन एंड देन वी इनकॉर्पोरेट इट इनटू द रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एज आई ऑलरेडी सेड। इसमें हमें बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्निक है, जो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड टेक्निक है, वो हम अप्लाई करते हैं वाया क्रिस्पर। क्रिस्पर इज अ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये क्रिस्पर है क्या? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहाँ से हमें अवेलेबल हुए? एक्चुअली दिस इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें वायरस से डिफेंस सिस्टम के लिए ये जीन पीसेस हैं, जो उस वायरस से जब उसने फर्स्ट टाइम उसने अटैक किया प्रोकैरियोट्स पे, तो उसने उसको फर्दर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डेमोलिश करने के लिए उसका कुछ जीन सीक्वेंस अपने पास स्टोर कर लिया। दैट इज कॉल्ड क्रिस्पर। क्रिस्पर थेरेपी, क्रिस्पर के थ्रू हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इसे जीएमओ को जीन थेरेपी में यूज करते हैं हम। इसका मॉडिफाइड अपने क्रॉप्स मॉडिफाइड फॉर्मेशन करते हैं और इसकी वेरियस टेक्निक्स हैं। हम इसको मेडिकल में और दूसरे एस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। जीएमओ जो है क्रिएट किया गया, जो उसकी हिस्ट्री रही है वो ये है कि हिस्ट्री में सबसे पहले जो जीएमओस बने वहाँ एक सबसे पहले बैक्टीरिया बना जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट। दोबारा ऐसे धीरे धीरे पहले एनिमल्स बने, उसके बाद प्लांट्स बने, और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस जो था वो हमने सिंप्लीफाई किया स्टेप बाय स्टेप। तब इसमें आपको तीन इसमें प्रोसेस बेसिकली देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में हम एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है बायोलॉजिक मिसाइल्स के थ्रू हम करते हैं। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीनों तरीके हम दिखाने जा रहे हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को हम आइसोलेट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड प्लाज्मिड को ऐड करा के हम उसको वापस जहाँ पे हमें होस्ट ट्री में होस्ट प्लांट में डालना है उसमें इनकॉर्पोरेट कराते हैं और हमारा रिक्वायर्ड कैरेक्टर का प्लांट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि हम सेल को एक जो हम जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उस मीडियम में रखते हैं, एक शॉर्ट पल्स देते हैं, शॉर्ट पल्स बार बार देते हैं। इससे क्या होता है कि ये इसकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो कुछ समय के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स के थ्रू ये डीएनए जो हमारे रिक्वायर्ड डीएनए है इंटर कर जाते हैं और जैसे ही हम पल्स हटाते हैं सेल जुड़ जाती है और जो डीएनए है वो इसमें आ जाता है। तीसरा प्रोसेस है बायोलॉजिक मिसाइल। अब बायोलॉजिक मिसाइल में क्या है, आप ये फिगर देख रहे हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक फायरिंग पिन है जिसपे गन पाउडर है, दूसरा आप देख रहे हैं माइक्रोप्रोजेक्टाइल है और माइक्रोप्रोजेक्टाइल है, और ये इस पूरी मिसाइल में या बायोलॉजिक गन में आपको वेंट्स दिख रहे हैं, स्टॉप प्लेट है, और ये जो नीचे आप एटीट्यूड देख रहे हैं इसमें हमारी टारगेट सेल्स रखी हुई है जिसमें हमें अपना रिक्वायरमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो ये माइक्रोप्रोजेक्टाइल्स जो है ये टंगस्टन या गोल्ड के बने होते हैं जिसमें जीन लगा होता है उसको तेजी से फायरिंग पिन जब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एमएल के बी का हो जाता है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बायोमेडिकल केमिस्ट्री। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इनॉग्रेटिंग केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री फोर सेमेस्टर स्टूडेंट्स इन देयर सिलेबस। इट इज we have to discuss about that metal deficiency and diseases caused by some important
एंड डिस्टेंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट लिथियम कॉपर जिंक मॉलिब्डेनम एलिमेंट्स आर करेंटली नोन टू बी रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन इन द ह्यूमन बीइंग देयर डेफिशिएंसी आर एक्सेस ऑफ मेटल आयन कॉजेस डिसऑर्डर विच लीड टू डिजीज वेल नोन एग्जांपल्स आर परफीरियस एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ग्रोथ रिटार्डेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट जीन हार्ट डिजीज इन इन्फेंट is due to the copper deficiency. First of all, I will discuss about iron deficiency. The average human adult has 1.5 gram of iron. Of this 4.5 gram of iron, 65-70% is present in hemoglobin in the RBC. And then human being requires about 4-8 milligram per day iron body. Iron is important for liver function. Micromolecular processes, etc. Iron deficiency occurs when the body does not have enough of the mineral iron. This leads to abnormally low level of iron. Iron deficiency affects about 2 million people, predominantly infants, children, adolescents, pregnant, and lactating women per year. Iron deficiency causes and symptoms. The important causes which are responsible for iron deficiency are first of all insufficient iron intake due to poor diet. Second is the excessive bleeding. Third is the parasitic infection. Now I will discuss about the symptom of iron deficiency. The common symptoms which are associated with iron deficiency are unusual tiredness, paleness on our body, shortness of breath, restless legs, headache, dizziness, dying and diamond hair on the skin, brittle or smooth shaped fingernails, swelling and soreness of the mouth. Here in the diagram you should mention that this is the blood of blood containing nano hemoglobin content with nano iron content. Here is a blood of person suffering with anemia. This figure indicates that person with anemia has very low concentration of RBC in the blood. For the treatment option, deficiency can be removed by iron supplementation. Second one is the iron-rich foods should be taken to reduce the deficiency, which includes dark leafy vegetables, dried foods, peas, beans, other pulses, iron fortified foods. It is important to note that vitamin C helps body to absorb iron better. So we should also intake vitamin C when iron deficiency appears. Tea coffee inhibits iron absorption. We should also avoid tea and coffee as it reduces the absorption of iron in the body. Next. In this figure, we can say some plants and food which are rich in iron, which includes spinach, lentils, kidney beans, potatoes, oats, soya beans, Swiss cut, almonds, pumpkin seeds, peanuts, peas, chickpeas, etc. Now, I will discuss about zinc deficiency. After iron, zinc is the second most abundant essential metal, and then has about 1.5 to 3 gram of zinc. The largest amount are present in liver and bone. Required daily intake of 15 to 20 milligram. Only half of which is absorbed to maintain this level. Zinc deficiency produces growth retardation, poor testicular atrophy, skin lesions. Is the agrobacterium mediated genetic transformation in plants? Transferring plants are the plants that are developed by transferring genes from one plant to another plant. We can take genes from any source, from plants, from animals, and as well as from bacteria. The plants are the transgenic plants developed by that are resistant to various biotic and abiotic stresses, extreme environmental conditions, and
are certain transgenic plants that develop and show resistance against a particular herbicide, weedicide, etc. Apart from this, there are certain other plants, transgenic plants, which develop by transferring animal gene, and they are used to produce animal therapeutic proteins used for the human therapy, like edible vaccines are produced in transgenic plants, interferon, interleukins, antibodies, antibody fragments. All these can be produced successfully in plants. And their application is so good that they provide immediate immune response, and they are used for the treatment of various diseases. This agrobacterium is a soil bacterium that is gram-negative rod, and this bacterium is not naturally found in the soil, and it is a natural gene transfer mechanism exists in this bacteria. It transfers the gene into the plant, but it is a pathogen causing crown rot disease in plants, and genetic engineer utilize this techniques to transfer the gene of our interest. This agrobacterium contain tDNA. This tDNA is actually the transfer DNA that transferred from bacterium to the plant, and it is actually infected at the winding site, which is present in the collar region. Collar region is the region where the root and stem unite, and when it enter to the wound site, it produce a tumor-like outgrowth, which is known as gall formation. And because it is in the crown region, it is called crown gall. And in crown gall, bacteria produce opine. Opine is a special class of compound that is produced by the bacteria and utilized by the bacteria, but it is not utilized by the plant. So it is waste product for the plant. But most of the protein of the plant is used for the formation of this type of opine, which is useful for only for bacteria. So bacteria produce this tonga, ultimately the yield of the plant is reduced. It is a disease, but this property of this agrobacterium is utilized for the transformation, gene transformation in plants. Next slide. In this slide, I am discussing about how gene transfer process takes place. The bacteria contain this TI plasmid. TI plasmid means tumor-inducing plasmid. This contain an origin of replication, which gives autonomous replication. This opine utilization gene, the bacteria produce opine, and it also has a opine utilization gene, which utilizes opine and live on that opine. There are so many opines: succinopine, nanopine, argopine, and several others. And it is based on the strain, which strain of agrobacterium is infected. This TI plasmid contains tDNA. This tDNA is actually transferred, and various proteins help. The helping proteins are encoded by Wilms region. This is composed of many genes. Wilms region contains Wilms genes, which is actually a sensor. It senses the plant secondary metabolites. This is the plant signal, and secreted by the plants. Now these signals are sensed by the Wilms protein, and they transduce the signal to transfer the tDNA. Now the tDNA transfer process starts. There is a B2 protein which protect the DNA, and some angiotensin cases cut the DNA from that side with the left border and right border, and transferred into the plant cell. This Wilms4 and Wilms protein produce a channel for the transfer, and this E2 protein is a single-stranded binding protein which binds the DNA and removes the single-stranded DNA cannot form the secondary structure in the presence of this Wilms2 protein. Now, it is transferred and integrated randomly into the plant genome.